ये नज़ारा आप लोगों को नहीं मिलेगा पेंटिंग की। ये स्टेशन पे आपने बहुत सारे देखे होंगे, एक स्टेशन पे ऐसे पेंटिंग नहीं देखे होंगे आपने। तो ये घूम लीजिए आप जूनागढ़ किला, आप लोग यहीं से हम लोग घुमा रहे हैं आपको। ये राजा जी बैठे हैं रथ पे और ये रानियाँ उधर देखिए। तो ये नज़ारा है हमारा स्टेशन यहाँ का। इसमें ये देखिए और दिखा रही हूँ मैं, चारों तरफ ही पेंटिंग ही पेंटिंग बनी है। ऐसे स्टेशन में बैठो और साफ़ सुथरा इतना है स्टेशन यहाँ का कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने स्टैंड में देखा, आज भीड़ थी पहली बार, वैसे भीड़ नहीं रहती है। तो ये है हमारा राजस्थान। बाय बाय, तब के लिए रहो, ब्लॉग में बने रहो। हेलो, कैसे हो सब? सबको गुड मॉर्निंग और नमस्ते, कैसे हो आप सब? वो मेरा देखिए अभी कितना फूला हुआ है, सुबह 6:30 बज रहे हैं, पूरा बाहर अंधेरा अंधेरा सा ही है। मुझे काम करना, मैंने आलू का भुजिया वगैरह खाती हूँ। ये देखिए मैंने आलू का भुजिया काट ली हूँ और मैं आटा वगैरह गूंथती हूँ, क्योंकि नमकीन चावल बनाना है, पराठा बनाना है और आलू का भुजिया बनाना है। तो मैंने ये टी शर्ट सिमरन की थी ना, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की, वो ढीली ढीली है ना, मुझे अच्छा लगता पहनने में, रात को पहन के सो जाती हूँ। तो आप लोग बने रहना इस ब्लॉग में, मैं फटाफट फटाफट खाना बना, तो हो सकता तो जाते समय हम मिलेंगे इसमें, टैक्सी वैक्सी में बैठे रहेंगे जब मिलेंगे, या तो स्टेशन पे सीधे मिलेंगे। तो आप लोग बने रहना तब तक के लिए। हेलो जी, ये देखिए 6:30 बज रहे हैं और मौसम कैसा हो रहा है बाहर का, ये लाइट नहीं ऊपर जल रही, बादल ऐसे चमक सा रहा है, वैसे धुंध धुंध सा ही हो रहा है, मतलब थोड़ा सा अंधेरा सा, लाइट भी जल रही है सबके घर में अभी। देखिए हमारी भी लाइट जल रही है, इसको निकाल देते हैं। इसका काम इधर काम करूँगी, वैसे अंधेरा अंधेरा सा ही, देखिए सुबह का है ये, 6 बजे का, 6:30 बज रहे हैं। 6 बजे मैं उठी थी, आलू को भुजिया वगैरह मैंने काट ली और ये सुबह का देखे से ऐसा अंधेरा अंधेरा सा, लाइट ना जलाओ ना पूरा ही। अब ठंड आने लग गई है बिल्कुल, देखो हवा भी चल रही है, ठंड लग रही थोड़ी थोड़ी सी। जा रही टैक्सी लेने स्टेशन फटाफट, यही सूट सिमरन उसने पहनी थी ना, रखी हुई थी, धुलना था, मैंने पहन ली ये सूट और जा रही है स्टेशन। सिमरन को चैन नहीं है, जाके 1 घंटा बैठेगी स्टेशन पे स्टेशन पे बैठेगी, लेकिन यहाँ नहीं चैन, 8:30 बजे चल रही हूँ, 8:20 हो रहे, स्टेशन पे मिलूंगी शायद, या टैक्सी में थोड़ा सीन दिखा दूंगी आप लोगों। ये टैक्सी में छोटी रानी बैठ चुकी है, स्टेशन रास्ते में बहुत ही अच्छा यहाँ पर रोड सीन दिखाती हूँ आगे, यहाँ का बहुत खाली होता है ना, स्टेशन कितना सुंदर है, ये देखिए सीन और भीड़, आज बहुत ज़्यादा भीड़ है ना। और ये टैक्सी का स्टैंड है, चल, ये टैक्सी का स्टैंड है, आज ज़्यादा भीड़ है, दीपावली की छुट्टी के बाद जा रहे होंगे शायद, मुझे लग रहा है, क्योंकि इतना बीकानेर में कभी भीड़ नहीं होता है। वैसे खाना
खाली होता सब। ओ कोई ट्रेन आई है इसमें मुझे लग रहा है ना, कोई ट्रेन आई है अभी, क्योंकि तो देख रही भीड़ झुंड की झुंड आ रहे हैं ये सारे, मुझे लग रहा है काम दिल्ली वाली सब गए होंगे ना घर वगैरह, आए हैं सारे। और ये देखिए बीकानेर जैक्सन हम आ चुके हैं, हम घुस रहे हैं अब अंदर स्टेशन के लिए अंदर, और नज़ारा ये देखिए दुल्हन से बनी हुई है, ये दुल्हन का जो परम मतलब वो खाती है ना पहनावा, और ये यहाँ पे ऊँट बहुत होते हैं, ऊँट सब ऊँट सबको होते हैं, और ये राजा। हम अब स्टेशन पे घूम चुके हैं, हमें उधर जाना है सिमरन उस साइड, सीधे सीधे चलेंगे सिमरन को ट्रेन में बिठा चुके हैं, और ट्रेन पूरा खाली पड़ा हुआ है, धीरे धीरे बैठेंगे, अभी वो इधर से कम लोग जाते हैं सुबह सुबह, रात की ट्रेन भरी रहती है, खाना इधर से मैं बांध रही है बाहर क्योंकि तेल वाला था ना कुछ निकल वगैरह जाता है। कितना टाइम हो रहा सिमरन अभी टाइम, मेरे फ़ोन में तो अभी टाइम नहीं दिख रहा है, बात कहते हैं दिल्ली जाओ हमारे का तो सामान ले नानू, हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले गए थे पता चला इस पे है, फिर दौड़ किधर है, अभी टाइम बहुत लंबा टाइम है, बस दो ही जने हैं ट्रेन में बैठे हुए आ जाएंगे। रोड देखिए उधर प्लेटफॉर्म सफाई हो रही है, और ये क्या बना है हाथी सब पे, ये डांडिया हो रहा है नहीं, ये यहीं का ही है लोग, ठीक है मिलती हूँ आगे। बाय सिमरन की ट्रेन, बाय बाय सिमरन, आगे चलिए आगे, बाय 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 बाय। हाँ सिमरन की ट्रेन जा रही है, कर दिया सिमरन को बाय बाय, दिख नहीं रहा कुछ भी धुंध में, मतलब धूप आ रही है ना सामने, 9:30 बज चुके हैं, ट्रेन निकल गई, अब मैं भी जा रही हूँ अपने घर के रास्ते। बैठी हुई है ट्रेन में, मैं बाहर उतर गई हूँ, जाऊँ जा रही हूँ। ये है उधर का प्लेटफार्म, मैं इधर सामने जा रही हूँ, 3-4 प्लेटफार्म है, ये देख कितनी खाली है, उधर स्टेशन पर कितनी भीड़ थी, और उधर देखिए वो भी प्लेटफार्म खाली है। और एक चीज़ आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, यहाँ पे कितने सुंदर पेंटिंग बने हुए हैं, पेंटिंग में दिखाऊंगा आप लोगों को, 32-33 हो गए, 9:33 तीन मिनट हो गए ट्रेन खुले हुए, मैं उधर जाके आप लोगों को पेंटिंग दिखाती हूँ। यहाँ की सीढ़ी ऐसा लगता है घर की सीढ़ी में चढ़ रही, पूरा ही खाली होता है देखिए ऊपर पूरा ही खाली, ऐसा लगता है ना कि अपने घर की सीढ़ी में चढ़ रहे हैं। पेंटिंग ये स्टेशन पे बाहर निकल रही हूँ, उधर का जहाँ घुसी थी वहाँ का भी मैंने दिखाई थी, ये देखिए जैसे यहाँ पे वो बजाते हैं ना ये मोर वगैरह कितनी सुंदर है, ये देखिए यहाँ के लोग भी मूंछ वगैरह रखते हैं, सबका सीन दिया गया है, देखिए इधर का मैं उधर जाके और भी दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये देखिए ये सीन कितना ही प्यारा लग रहा है देखने में, ये पता है आप लोगों को ये किला का वो दिया गया, ये मुझे लग रहा है जूनागढ़ किला का है, ये जूनागढ़ किला का है सीन, पीछे कैसे सीढ़ी जाने वाला है जूनागढ़ किला, और उधर भी है
उधर का भी सीन आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ की दुल्हन बहुत ही प्यारी ड्रेस में रहती है, वैसे भी मुझे यहाँ की ड्रेस बहुत ही प्यारी लगती है। देखिए ये सीन सब आपको वैसे नहीं, पेंटिंग किया हुआ है ना हाथ से ऐसे। उधर राजा सब थे ना, इधर रानी सब है। अलग अलग इसमें है सब रानियाँ, मटके ले रखे हैं और ये जो बजाते हैं क्या बोलते सारंगी होता है जो भी होता है ये बजा रही हैं। उधर एक दुल्हन जैसे खड़ी है गेट पे, सब अलग अलग है। इससे भी बहुत ही प्यारा यहाँ का, ये देखिए हमारा बीकानेर तो बहुत ही मतलब शानदार है यहाँ हम रहते हैं। और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को पेंटिंग, ये देखिए ये ना बाहर का है, ऐसे जैसे सर पे मटके में पानी लेने के लिए जाती हैं, ये सब बाहर का सीनरी है। उससे दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये स्टेशन पे जब हम क्रॉस करते हैं ना वहाँ का है ये सब। यहाँ पेंटिंग बहुत ही सुंदर बनाते हैं, जैसे मिथिला पेंटिंग जैसे होता है ना बिहार का हमारा, वैसे ये राजस्थान में पेंटिंग का बहुत ही कल्चर है। तो बहुत ही लंबा पेंटिंग बना, वो उधर तक नहीं जा रही हूँ मैं, एक बार इतना दिखा दिया आप लोगों को। आप लोग बने रहो इसमें, अब मैं टैक्सी करके और जाऊँगी बाहर, तो बाहर की तरफ टैक्सी करूँगी, घर जाऊँगी मैं, घर पे जाके मिलूँगी आप लोगों से। तब तक के लिए बने रहो इस ब्लॉग में सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी पेंटिंग देखने के लिए। एक बार बीकानेर स्टेशन को बाय बाय, इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। तो मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, जिससे मिल गई दिल्ली, तो आप मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा घर पे। ये सीआर फिर आप लोग भेज भैया सबको देखिए। चलो ठीक है, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।